अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको आपके अपने ही चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो में आपसे ये बात शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह आप लोग शिकायत कर सकते हैं कि आपके पास या आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है। कैसे शिकायत करनी है। बाज़ अवक़ात या आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामूलात ज़िंदगी में आपको काम पड़ते हैं, आप जाते हैं किसी अफसर के साथ, हम कलाम करते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ वो आपका काम ना करे तो कोई रिश्वत मांग ले, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप एजुकेटर हैं, आप कोई जॉब्स के लिए या कोई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको नहीं दे पा रहे, वो कहते हैं इतने पैसे की डिमांड करते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर किसान हैं, आपके पैसे ज़मींदार, ज़मीन की मिल्कियत वगैरह, पर्चा या फिर पटवारी वगैरह या तहसीलदार कोई भी आपसे अगर पैसे मांगता है, तो आपने क्या तरीका का इंतखाब करना है, तो इसी वीडियो में आपसे बात शेयर करने वाला हूँ। तो एक आपको याद दिलाता जाऊँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ और बरवक्त मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन ARY न्यूज़ का दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकारी अफसर रिश्वत मांगे तो सिटीज़न पोर्टल पर शिकायत करें। वज़ीरे आज़म आवाम की आवाज़ सुनना हुकूमत का फ़र्ज़ है। वज़ीरे आज़म इमरान खान ने सिटीज़न पोर्टल के 2 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए आवाम को ताकत दी के वज़ीरे आज़म शिकायत से सज़ा और जजा देने का निज़ाम भी आसान होगा। इमरान खान, ARY न्यूज़ #। तो दोस्तों, ये थी कुछ नोटिफिकेशन जो आपसे मैं शेयर करने जा रहा था। अब सवाल रहता है कि आपने ये कैसे शिकायत करनी है। तो हम वीडियो को की तरफ उस जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है, और जब आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर आपने सर्च बॉक्स में सर्च करना है सिटीज़न पोर्टल, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल, ये एप्लीकेशन आ जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है और फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, तो अपना आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाना बहुत इजी है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही हो, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आपने अकाउंट बनाना है और कैसे शिकायत करनी है, उसका लिंक भी दे दूंगा। वहाँ वो वीडियो देखकर आप इजीली शिकायत कर सकते हैं। रही बात, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये आपके पास आपका अकाउंट बन जाएगा। जब अकाउंट बन जाएगा, तो फिर आप आसानी के साथ प्लस आइकन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपने खुद देख सकते हैं कि आपने किसके ख़िलाफ़ शिकायत करनी है। वो चीज़ आपने वहाँ से सिलेक्ट करनी है। जब आप सिलेक्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा, आप 3, 4, 5 स्टेप करने के बाद आप आसानी के साथ शिकायत सेल पर शिकायत कर देंगे, और इंशाल्लाह आपका विद इन वीक में आपका ये काम मुकम्मल हो जाएगा। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर कोई आपका सवाल हो मन में, तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।